केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ बार एसोसिएशन के निष्कासित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रमेश गुप्ता पर अपनी सहायिका का यौन शोषण करने का आरोप है और इसकी एक के बाद एक कई वीडियो व ऑडियो वायरल होने से यह मामला सुर्खियों में आ गया था। रमेश चंद गुप्ता के साथ ही भाजपा के मंत्री संजीव गोयल सिक्का व महानगर महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर भी लगाए गए आरोपों के आधार पर पॉस्को एक्ट लगाया गया है। रमेश चंद गुप्ता की गिरफ्तारी आज सुबह सकौती रेलवे स्टेशन के पास से दिखाई गई है। यह बात अलग है कि उसकी अंतिम लोकेशन हरिद्वार मिली थी। रमेश को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मेरठ कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि अब भाजपा के मंत्री संजीव सिक्का व अरविंद मारवाड़ी पर पुलिस का क्या एक्शन होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।